देखो हलीमा का रिएक्शन देखा आपने, क्या देख रही थी हलीमा उसको ही देखो खतरनाक। हलीमा तो भाई इसको काट खाएगी। सलजान तगड़ी है, झाड़ देती है। हेलो फ्रेंड्स, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज परम, वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। सो गाइस, आप हमारी पूरी वीडियो देख लिया करो यार, स्टार्टिंग से एंड तक देख लिया करो, आपके लिए बनाते हैं पूरी अच्छे से वीडियो, देखा करो यार, ऐसे मत किया करो यार। मुझे पता है आपका डायरेक्ट आप रिएक्शन की तरफ जाते हो, यहाँ पे अभी रहते भी नहीं हो, हम जो बोलते हैं पता नहीं किसको बोलते हैं हम, बंद करो हाथ जोड़ के, मैं क्यों बोलते हैं मुझे समझ नहीं आता यार, मतलब मैं बोलूँ के नहीं बताओ आप हैं, मतलब हद है यार, मतलब थोड़ा सा तो हमारा रखो यार, हैं आपके लिए कर रहे, 40 मिनट बैठना कोई आसान बात होती है? आप बताओ 40 मिनट शूट करना और बैठना और 40 और दो वीडियो डालो तो आप बोलते हो 3 डालो यार, एक और डाल दो यार, एक और डाल दो। अब बाप मैं हंसता हूँ, मैं बोला यार जितना दो उतना कम है कसम से, मतलब है दो डालो तो बोलते हो 3 डालो, 3 डालो बोलोगे 4 डालो, अरे भाई अपने को स्लोली स्लोली जाना है। और मैं ये सोच रहा हूँ कि रोज मैं एक ही वीडियो डालू, ठीक है? आप मुझे इसके ऊपर बताओ कि वीडियो डालूँ एक के नहीं, क्योंकि मैं रीज़न बताता हूँ। देखो अगर मैं रोज़ की 2 वीडियो डालूंगा तो 2-3 महीने में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है? yes. फिर जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएगा और फिर हमें एवरी डे वेट करना पड़ेगा, वीकेंड पे छुट्टी होती है, PTV वाले आते नहीं, थर्ड सीजन तक हम पहुँच जाएंगे और हमें सिर्फ 5 ही दिन मिलेंगे शूट करने के लिए, हर रोज़ एक एक ही एपिसोड करना पड़ेगा तब, है ना? तो इससे अच्छा अभी एक एक एपिसोड कर लेते ना हम, तो आप हमें बताओ कमेंट करके। और एक एपिसोड इतना जबरदस्त बनाएंगे ना भाई, कसम से इतना जबरदस्त, मजा आ जाएगा आपको, मजा जाएगा ना भिड़ो, मजा आ जाएगा कसम से बोल रहा हूँ। अगर उसमें आपको थोड़ी सी भी वॉइस, वीडियो क्वालिटी, हमारी कॉमेडी और हर एक चीज एकदम बढ़िया होगी, देख लो अभी आप हमारी इतनी सी बात मान लो यार, ठीक है? बताओ हमें कि आपको चलेगा, सब मुझे बताओ कि एक वीडियो चलेगी कि नहीं, और ये पूरा वीडियो देखना, ठीक है? बहुत औसम होने वाला है सच्ची में। और हाँ, लास्ट की जो 2 वीडियो थी, जो एपिसोड 10 था, एपिसोड 10 जो कल डाला था 10 बजे, औसम था, सबने देखा, बट प्रॉब्लम उसमें एक हो गई कि हमने जब वीडियो अपलोड की ना, तो उसके बाद जो उसकी प्रोसेसिंग होती है HD हाई डेफिनेशन प्रोसेसिंग, वो प्रोसेसिंग अभी तक हो रही है, वो अभी तक वो HD में प्रोसेस नहीं हुई है, इसलिए आपको 360p में दिख रही है, लाइक HD में नहीं दिख रही है वीडियो। और हमें पता नहीं अभी क्या करें यार, इतनी सही वीडियो बनाई और HD में अभी तक प्रोसेस हो रही है। और एपिसोड नंबर 11 जो अभी 8 बजे हमने अपलोड किया है, वो एपिसोड में भी थोड़ी सी अगर वॉइस की आपको दिक्कत आए और अगर आपको हम ऐसे म्यूट हुए दिखें, तो आप वो चीज़ थोड़ा सा लाइक कर लेना यार बाय, क्योंकि बिकॉज हमारा वो ब्लॉक हो गया था वीडियो, फिर से हम रिकॉर्डिंग वगैरह किया और एडिटिंग हुआ, तो इस वजह से, बाकी कुछ नहीं। एंड ये वीडियो इंशाल्लाह ज़रूर बहुत अच्छे से होगा, एंड आई होप कि आप हमारा ये देख रहे हैं वीडियो पूरा अच्छे से, एंड आपने एपिसोड नंबर 11 देखा है, एंड अभी मज़ा आने वाला है एपिसोड नंबर 12 में। आज का जो हमारा रिएक्शन है, दैट इज़ ऑन एपिसोड नंबर अर्तुल, शिट मैन, डिरली सरतरुल सीजन 2 एपिसोड नंबर 12। सो वी आर वेरी एक्साइटेड एज ऑलवेज, बिकॉज आज के एपिसोड में जिरका बैठने वाला है, अर्तुल अपनी मतलब बात रखेंगे और उनके ऊपर इल्जाम लगाएगा वो तुतकिन जो भी है उसका नाम, ठीक है? वो इल्जाम लगाएगा, मुझे उस पर बड़ा गुस्सा आ रहा है, अर्तुल भाई भी अगर कोई भी इल्जाम लगाएगा मुझे गुस्सा आएगा, बस सिंपल है बात, हम नहीं सह सकते भाई, हमें नहीं पता कुछ भी, हम लगाएंगे इल्जाम, हम गुस्सा करेंगे उस पर, चाहे उसमें कुछ भी कितना भी कुछ कराओ, अच्छा करेगा तो हम उसके पे उसके लिए तारीफों के पुल बांधेंगे, पुल जैसे सलजान के बांधे, बस बस बस। So guys, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट आवर रिएक्शन वीडियो।
भाई भाई सबसे पहले रुको रुको, जो लोग स्किप मार के आए हैं ना, पहले जाओ पूरा वीडियो देखो जाके, हाँ क्योंकि हमने बहुत सारा कुछ बोला है, प्लीज सुन लो यार, थोड़ा सा सुन लिया करो यार, है जो बोला है प्लीज वो सुन के फिर आ जाओ यहाँ पे, फिर पूरा देखना है। बिल्कुल मजा आने वाला है, चिरका चिरका। ये देखो ये पंचायती, बहुत पंचायती है मैडम जी को, बहुत पंचायती करनी है इनको, इनको जानना है अर्तुरुल को क्या हुआ है जो उसके खिलाफ यूज कर सके। सही बात है, ये दोनों भाई मस्त, मतलब कुछ पट्टे विट्टे में ले रहे, कुछ कांड करने वाले हैं। हद होती है यार, खुद बीच में ही लड़ रहे भाई भाई, ये अच्छी बात है क्या, मतलब शोभा देता है क्या इनको, क्या करने का भी। ये देखो नोयान, देखो देखने वाला उसको। बैठिए हमजा भाई बैठिए, तुम्हें बहुत ही बड़ा वाला ऑफर देगा वो, जैसे सबको देता है। बड़े बड़े ऑफर देता भाई ये, पुराने, ये बंदा पुराने जमाने का खरीददार है, रिश्वत देता है, घूस देता है घूस। सही बात है, ये ना हुआ तो नौजान किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा, वो मार डालेगा हम सबको। हैवी वो बेरहम, बात करो सबसे, जैसा आपका हुक्म है जैसा।
बड़ा यार अब्दुल रहमान नोयान की फौज में जाए। नोयान को जान को भेजना है। अच्छा जाएगा। मतलब नाटक करेगा। ये कुछ बोल क्यों नहीं रहे? आवाज ही नहीं आ रही भाई। भाई हमने कुछ नहीं किया। हाँ ये कुछ सीक्रेट जानो इनका। सीक्रेट सलजान मस्त सुन रहा है एकदम कान लगा के ना भाई कड़क एक नंबर। ये देखो इनका भी सीक्रेट चालू है। दुर्गुत भी सुन रहे नहीं नहीं सुन नहीं रहा वो देख रहा। अरे उसको करना था ना सरदारों को, सरदारों से बात करनी थी बट ये टाइटस क्या नाम है इसका तुतकिन टाइटस चालाक है भाई ये मंगोल ऐसी थोड़ी पूरी दुनिया फतेह की इन लोगों ने। ऐसी चालाक लोग हैं चालाक लोमड़ीस। ये वही लग इसको खरीद रहा है ये। यार ये हमजा गद्दार निकला ना पता नहीं ये क्या करेगा अभी। आई डोंट हैव एनी आइडिया गॉड नोस। ये वही बच्चा है ना जिसने पत्थर मारा था उसको। बेचारे को कोई कुछ करे ना है ना। दिल्ली दमीर साहब चलो कोई टेंशन क्यों परिवेश करेंगे दिल्ली दमीर साहब कितने क्यूट है ना बहुत क्यूट है।
पता नहीं क्या होगा ना आज जिरके में। कब बिठाएंगे जिरका, जल्दी बिठाओ यार, बहुत टाइम हो गया है, कब से वेट कर रहे हैं हम। वेरी एक्साइटेड। ये देखो कोचा बश सब गुफ्तगु करने में लगे हुए, एकदम सीक्रेट गुफ्तगु। अपना तुरगुत भाई भी अभी बात कर रहे हैं डोवान। लेट्स सी क्या होता है। नहीं नहीं अभी कहाँ, अभी थोड़ी है कुछ भी, कहाँ चलना है। जिरके में गलत रास्ते अपनाते यार ये लोग। बट एर्तुरुल को टेंशन नहीं है ना, वो बोल रहे थे मेरे पास दूसरा हाथ तो है। हौसला नहीं हारते वो। ये जब देखो गोप से बातें सुनती रहती।
आ गया फाइनली वो दिन जिस दिन है जिर का, अब हमें यस अब मजा आएगी। चलो तैयार हो जाओ भाई लोग, एक्शन पैक मूवी देखने के लिए तैयार हो जाओ अभी तुम लोग। भाई बड़ा एक्साइटमेंट हो जाता है पता नहीं क्यों, आपको भी होता होगा ना कसम से। बैठी है सब बैठी है, मैं तो वो दिन का वेट कर रहा हूँ जब नहीं कि काय कबीला खुद का काय कबीला पहले जैसे होगा ना, तो किसी का टेंशन नहीं कुछ नहीं। बोलिए, अरे बोलो भाई, है? अरे यार क्या? बहुत एक्साइटेड थे हम तो, बोलेंगे अभी कोई यार, आवाज ही बंद हो यार इसकी तो है हद। हमने नहीं किया कुछ, कुछ नहीं किया हमने, हमने कुछ नहीं किया, वो खुद सीक्रेट बातें कर रहे हो, हमने कुछ नहीं किया हमने। अभी आई आवाज, हेलो अल्लाह तुम्हें सेहत दे, बहुत शुक्रिया।
हैं? कहीं ऐसा ना हो कि वो गुस्से में आकर हमारे ही कोई मुश्किल खड़ी कर दे। सबसे मुश्किल वक्त में बर्ताव कर रहे होने आप लोग। कुछ भी बोलने का मतलब, कभी भी आने का, किधर भी आने का, कुछ भी बोलने का। वाह सही है, ये सही है। सही बात है। सबसे पहले लोगों के दिलों से ये खौफ निकालना है। जंग के इंतजार में मौसम ऐसा सब कुछ है, बिल्कुल वैसा है जैसे एक बीमार मौत का मुंतजर को कब्र में चलने का। तुम क्या चाहते हो खुल कर बताओ। सबसे पहले नौजवान के डर का खात्मा जरूरी है जो लोगों के दिलों में बैठ चुका है। हमें मकबूलों को ये बताना है कि फिर से अलग सीन। अब्दुल रहमान साहब, जिनका ये बात समझ लिया और उसके बाद अर्थ
क्या बोल रहा है भाई? कुछ भी। ये क्या कह रहे हो तू? लेकिन किससे बातें कर रहा है भाई तू? उसको पता नहीं अभी तक। अरित्रुल ने बोला क्या होगा अभी यार, क्या फैसला करेंगे ये लोग, है ना? ये देखो अलीमा, पैंट बनाई है, टी शर्ट हलीमा तो जादू से ठीक हो गई ना अरित्रुल को देख के। डायरेक्ट नहीं गया, खाना वाना खाने आ गई थी। क्या बात है भाई होगा होगा, खत्म होगा, अपने अंजाम तक पहुंचेगा। सही बात है। आएगा समझ, बहुत जल्द आएगा समझ, सही गलत। तू तो किन पे तो बड़ा गुस्सा आ रहा है कसम से। हाँ। पगला गया है छोरा। सुनो, और अब सरदारों का फैसला सुनाने का वक्त आ चुका है। हाय मामे, सुनाइए फैसला। जी सरदार, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो फिर सिपाहियों के दरमियान किसी भी नाइंतफाकी से बचने के लिए और जब तक हमारे कबीले दोबारा तकसीम हो, तब तक मैं तुतकिन को सिपाहियों की कमान के लिए नामजद करता हूं और अर्तुगरुल को उसके मुकम्मल शिफाया होने तक उसके साबिक अहदे से बरतरफ करता हूं। जब भूल है आपको बहुत सारे लोगों ने हाथ उठरी इधर के भी उठा रहे, काय कबीले के भी देख, एक गुंडों की वजह से। ये दिली दमीर ऐसे ऐसे क्यों देख रहे हैं? उन्होंने ऐसे हाथ रखा हुआ है भाई। दिली दमीर साहब प्लीज हाथ मत उठा देना यार। अरे अरे अरे, हायमा हालम की वजह से हाथ उठा दिया और उनकी वजह से ही अर्तुब भाई ने भी हाथ उठा दिया। कांड हो गया भाई, कांड उठा दिया सरदार ने भी। तो तकिन ले ले भाई, क्या कर सकते हो? तेरा सिर्फ हायमा हालम ने हाथ उठाया ना, उस वजह से ही।
चलो कर लो अभी सब नीचे हाथ, हाथ दुखेगा नहीं तो सबका। चलो जल्दी भाई। अरे कब से ऐसे करके करो गुंदो गुंदो देखो कॉमेडी लग रही है। चलो सरदार ने बोल दिया अभी कर लो थल्ले। की होना है उन्हें ना तो इस बात का बाजाब्ता तौर पर ऐलान किया जाता है कि गुज़िश्ता सज़ायाफ्ता सिपाही कबीले में ही रहेंगे अंतरूल की निगरानी में मौसम सरमा के इख्तिताम तक, और सिपाही अब्दुल रहमान, सरदार तूतेगिन और सरदार गुंदो तूरवर घात लगाकर जान देना पता करने के लिए लड़ रहे हैं एर्थरल को उनकी वालिदा का ज़्यादा दुख हुआ होगा ना। शिट यार एर्थरल भाई बड़ा दुख हो रहा है। ये मस्त कान लगा के सुन रहा है। क्या मस्त खेल रहा ना वो तुर्गुत तुर्गुत भाई तो एकदम कड़क बंदे अपने। ये दोनों कब से टेंशन में घूम रहे हैं। एर्थरल एकदम सही चल रहे हैं ना। नहीं 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 अभी भी थोड़ा सा उनको पैर का प्रॉब्लम हो रहा है। Thank you.
लेटस काय पन बोल। सो गाइज ये था हमारा रिएक्शन ऑन ड्रिली सेरथ्रल सीजन 2 एपिसोड नंबर 12 ऐसे होगा 12 कि वैसे होगा चलो जैसे भी होगा एपिसोड नंबर 12 पे रिएक्शन था हमारा बहुत ही बेहतरीन था, बहुत मज़ा आया। जितना ज़्यादा एक्साइटमेंट भरी हुई थी उतना ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, इस वजह से थोड़ा सा डिससेटिस्फाइड हूँ मैं, जस्ट बिकॉज कि एर्थरुल भाई ने कुछ बोला नहीं जिरके में, उन्होंने खामोशी से सब कर ली। मेरे को लगा कुछ कांड होगा भाई, मज़ा आएगा, मतलब जिरके में कुछ तबाही होगी नहीं क्या, एकदम रैपचिक वाला कुछ काम होने वाला है। बट यार एर्थरुल भाई वो इज्जत करते हैं, वो दूसरे लोगों जैसे हैं नहीं, तो वो अच्छी बात भी है, है ना। और वो सारे फैसलों की भी इज्जत करते हैं, बट उनकी बात भी लोगों को समझनी चाहिए थी, बट क्या ही करें, लोग है ही पागल, है ना। बट उनकी जो वालिदा हैं उन्होंने तो एक मजबूरी में किया है, क्योंकि वो अपने बेटे को लाइक हेल में धकेलना नहीं चाहते ना, वो जहन्नुम में धकेलना नहीं चाहते, बिकॉज उनका हाथ अभी ख़राब है। बट उनको लगता है कि अभी एर्थरुल लड़ाई नहीं कर सकते, तो इस वजह से, बाकी कुछ नहीं। बट या आगे का एपिसोड बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं आगे के एपिसोड देखने के लिए, बिकॉज अभी और एक्साइटमेंट बढ़ गई है कि आगे क्या होगा। एक तो हमज़ा चला गया है नयान के पास, जिरके में तो तक इनके पास बंदों की कमान चली गई है, तुर्गुत और दुआन का क्या होगा अभी, है ना, बहुत सारा कुछ है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू वॉच नेक्स्ट वीडियो। सो गाइस आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, ऐसे ही हमारे हमें प्यार करते रहिए, हम अच्छे से अच्छे वीडियो लेके आते रहेंगे। यस एंड मुझे भी बहुत ज़्यादा, मतलब थोड़ा मतलब ज़्यादा कुछ नहीं हुआ इसमें, एंड गोपचे ने अपना रंग दिखाई दिया सही में, मतलब पहले से ही दिखा रही थी, आज ज़्यादा ही दिखा दिया, और मतलब रंग दिखा दिया रंग क्या। अरे वो कोड गिल्ला नहीं है जो रंग दिखाएगी, हद होती है यार। कोड गिल्ला, she's a कोड गिल्ला, सही शब्द ही उसका यार। कोड गिल्ला क्या होता है अभी हिंदी में, क्या बोलते इंग्लिश में उसको, लिजर्ड जैसा होता है ना जो रंग बदलता है। चलो छोड़ो जो भी है, तो दल बदलू देखने और भी कुछ होता है, बट बोलो 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 क्या ही बोलूं अभी मैं, आप ही बोलो। हाँ मैंने भी काफ़ी इंजॉय किया, लेकिन थोड़ा सैड था क्योंकि एर्थरुल ने कुछ बोला नहीं, और वही हमको गोपचे पे गुस्सा आ रहा है, बस वो कुछ भी बोलती रहती है। आई बुंदल खाते ना कुछ भी, आई क्या जो सरदार की बीवी हैं उनके साथ लगती रहती हैं वो, एंड हलीमा सुल्तान का जो रिएक्शन था ना, तब आँखें पूरे से आँखें
मैं कुछ नहीं कर रहा, यही कर रहा है जो कर रहा है, ठीक है। आंखें निकाल रही थी ये अबुल खातून के पास देखकर, बहुत डेंजर। कौन आंखें निकाल रही थी? हालिमा सुल्तान। ऐसे बोलो ना फिर। बोला मैंने। हाँ ठीक है चलो। एंड ओवरऑल बहुत ज़्यादा अच्छा एपिसोड था ये। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। रमजान आने वाला है ना, एंड 5 days में, तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू मतलब और भी अच्छी अच्छी वीडियोज लेके आएंगे हम आपके लिए दूसरे हमारे चैनल पे, है ना, रमजान के रिलेटेड। एंड गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक आर वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट, डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। शाबाश, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।